हाँ जी तो कल हमने बात की थी बायो की, कि बायो इज अ नेचुरल साइंस दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बायो में लिविंग बीइंग्स की क्या चीजें स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आफ्टर बर्थ उनमें ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ के बाद लाइफ जब वो स्पेंड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं, प्लेनेट अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब जमीन पे आप देखिए पानी भी है, यहाँ खुश्की भी है, परिंदे हैं वो हवा में भी उड़ते हैं, ठीक है। कुछ जानदार ऐसे हैं जो ट्री डिवेलर्स भी हैं, वो दरख्तों पे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जमीन में बरोज बना के रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं यानी समुंदर के पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में यानी नदी नालों दरियाओं चश्मों वगैरह के पानी में रह रहे होते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो कुछ ऐसे हैं जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम जो हैं वो इस प्लेनेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, जो उनके रहने की जगह हैं, जो हैबिटेट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जानदार खुश्की पे हों या सारे जानदार जो हैं वो पानी में हों, अगर पानी में है तो सारे समुंदर में हों। मतलब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है, जो उसके रहने की जगह है वो डिफरेंट है, जिस जगह को वो इनहेबिट कर रहा है हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों की चोटियों पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बर्फीले पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जानदार भी हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो जानदार है ना, बैक्टीरिया वगैरह, जैसे हमने कहा था कि लाइफ जो है वो सिंगल सेल पे भी कंसिस्ट करती है। ये अगर हम वायरसेस की बात करें तो वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल भी होते हैं, और उसके बावजूद उनमें जो लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें भी पाई जाती हैं कि वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं यानी गर्म पानी के उबलते हुए चश्मों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से हर एक जो है वो उसका हैबिटेट जो है, उसके रहने की जगह है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये हम बायो में फिर डिस्कस करते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस हैबिटेट में रह रहा है। उसके बाद फिर हम उनकी टेक्सोनमी भी डिस्कस करते हैं। टेक्सोनमी का मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। जैसे अगर उड़ने वाले हैं तो हम कहते हैं जो उड़ने वाला ग्रो है वो परिंदों का ग्रो है, ठीक है। जिनके जिस्म पर बाल हैं और वो बच्चे देते हैं, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी ये खसूसियात हैं उनको हम कहते हैं ये मैमल्स हैं, ठीक है। जिन जो पानी में रहते हैं और उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है और वो पानी में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मेनली गिल्स से वो रिस्पायर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये फिशीज हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, अगर आप खुद को अनम्यूट करेंगे बिना किसी कोई आपका कुछ नहीं है उसके बावजूद, तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेस कीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। अगर आप ऐसे ही माइक अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो अगर फिर हम इस तरह यानी ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात की बिना पे कि जिनमें एक जैसी खसूसियात हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं उनको फिर हम और ग्रुप्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेक्सोनमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और उनको फिर नेम भी देते हैं, ठीक है। उनके फिर नाम होते हैं कि ये फलां स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो फलां स्पीशीज का नाम ये है, जैसे होमो एक स्पीशीज का नाम है, ठीक है। तो हम जो है ह्यूमन बींग जो है होमो सेपियंस हैं। इनका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए ना, साइंटिफिक नेम ऐसा नाम होता है जो पूरी दुनिया के लोग जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कि वैसे तो अब कोई भी चीज़ है हर इलाके में उसका नाम मुख्तलिफ होगा, हर जुबान में उसका नाम मुख्तलिफ होगा। जैसे अगर आप शलजम की बात करें तो कोई उसको शलजम कहता है, कोई शलगम कहता है, ठीक है, उसको पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं। तो हर एक जो चीज है वो चाहे प्लांट्स हैं या वो दूसरे
दूसरे हैं एनिमल्स हैं, उनमें हर एक को मुख्तलिफ नाम दिया जाता है और वो साइंटिफिक नाम दिया जाता है जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। तो जहाँ भी फिर वो नाम लिया जाता है, हर एक रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वो फला चीज़ है। अगर तो आप उसका इलाकाई नाम लेंगे तो फिर तो हर एक का वो हर एक इलाके में एक चीज़ का मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो हम बायो में क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, उनके फंक्शन को हम देखते हैं, उनमें ग्रोथ किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पीशीज नई नई स्पीशीज कैसे बन रही हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लैनेट अर्थ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके हैबिटेट क्या हैं, फिर हर एक के हर एक को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई करके उनको नाम देते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया, अगर नहीं आया तो आप हैंड रेस कीजिए और माइक अनम्यूट करके आप पूछिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने ये चीजें भी पिछले अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उनको भी थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जीन की, कि जो विरासत है, हेरिडिटी है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो जीन है। यानी अगर हम बात करें कि कान की जो लो है वो साथ लगी हुई होगी जिस्म के साथ या उससे अलहदा होगी, या हमारी आंखों का क्या कलर होगा, या हमारा कद लंबा होगा या छोटा होगा, ये हमारी विरासत पे डिपेंड करता है कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने वालदैन से क्या चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं। क्या हमें हमारा कद बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सारी जो मालूमात हैं ये हमारी जीन्स पे मौजूद होती हैं। डीएनए में सारी आपकी मालूमात होती हैं और डीएनए के ऊपर हर खसूसियत के लिए एक जीन होती है, ठीक है। हर खसूसियत के लिए, जैसे आंखों के रंग के लिए जीन होगी, आपके आपकी हाइट के लिए जीन होगी, हर एक खसूसियत के लिए आपका फिर आई कलर क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट कर रहे हैं, वो आपकी जीन्स के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो आपकी विरासत का, हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है वो जीन है, ठीक है। उसके बाद आप जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन क्या है, द इंजन दैट प्रोपेल्स द सिंथेसिस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। अब किस तरह से न्यू स्पीशीज बन रही हैं, पुराने पिछले ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं, पहले कौन से ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्रीज में के पहले वो डायनासॉर्स थे, ठीक है, वो डायनासॉर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से, कौन से फैक्टर्स थे कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो जब वो सारी ज़मीन पर फैले हुए थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसके बाद कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जो इवॉल्व हुए और वो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते रहे इस प्लेनेट पे, उसके बाद फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो इवॉल्व हुए, ठीक है, फिर इस तरह नई नई स्पीशीज किस तरह से बनी। तो एवोल्यूशन में हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें बायो में क्या चीज़ें हम देखते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं और होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, और एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ही ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस भी हमने डिस्कस की थी, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जो इंटरनल कंडीशंस हैं बॉडी की उनको एक रेंज के अंदर रखना, उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आने देना, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आने देना। यानी अगर टेम्परेचर है तो उसमें इतना ज्यादा चढ़ाव ना आए कि 37 अगर नॉर्मल है तो वो 40 तक चला जाए, या अगर 37 नॉर्मल है तो वो 20s में चला जाए, ऐसा नहीं होता। होम्योस्टेसिस होती है लिविंग बींग्स के अंदर और फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रेंज के अंदर आते हैं कि 37 है तो 37 से चले 38 हो जाए, 37 से 36 हो जाए, ठीक है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इससे बहुत ऊपर ना जाए और बहुत नीचे ना आए, फ्लक्चुएशंस जो है वो एक्सट्रीम ना हो, ठीक है, हद से बाहर ना हो, एक लिमिट के अंदर हो, एक रेंज के अंदर हो। तो होम्योस्टेसिस होती है आपकी इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक रेंज के अंदर रखना।
फ्लक्चुएशंस जो हैं वो नॉर्मल लिमिट से एक्सीड ना करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये होम्योस्टेसिस हो रही है। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से होम्योस्टेसिस कर रहे हैं और होम्योस्टेसिस क्या है। अगर आपको कोई इसमें से पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप हैंड रेस कीजिए और माइक अनम्यूट करके दो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायो की और कौन कौन सी शाखें हैं। तो इसमें जो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूंगी कि आपके सामने जो नाम लिखे हुए हैं यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी कि और कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हो सकती हैं। आपको वो अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनको एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो बायो है इसकी जो दो मेजर सब डिसिप्लिन हैं वो बॉटनी और जुआलॉजी है। बॉटनी में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं और जुआलॉजी में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं बॉटनी में प्लांट्स को, और जिस तरह हमने कहा बायो में हम उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके लाइफ प्रोसेसेस भी, होम्योस्टेसिस भी, एवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, तो ये सारा हम फिर इनके जो सब डिसिप्लिन हैं उनमें भी हम डिस्कस करते हैं। बॉटनी में अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम उनके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, वो स्ट्रक्चर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से नई नई स्पीशीज इनमें इवॉल्व होती गई, पहले कौन से प्लांट्स थे, पहले अगर ब्रासिस थी तो उनसे फिर ब्रायोफाइट्स और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जूलॉजी में भी हम इसी तरह से यानी सेल के स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन और फिर एवोल्यूशन और सारा ये डिस्कस करते हैं। अब फिर बॉटनी और जूलॉजी के अलावा जो सब डिसिप्लिन हैं वो इन्हीं की ही आगे ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अब एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, किन किन कंपोनेंट से ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, ठीक है। इनमें हम ये भी देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और ये जो सारे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनकी खसूसियात क्या है, ठीक है। अब लिविंग बींग्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, ठीक है, इनकी क्या खासियत है हम ये भी देखते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग बींग्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप लिविंग बींग्स के अंदर देखें तो उनके अंदर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, डीएनए, प्रोटीन, ये चीज़ें भी हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके अंदर सेल के अंदर अगर आप देखें तो सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं। एक सेल है तो सेल के अंदर गॉल्जी बॉडीज होंगे, उनके अंदर लिपिड्स होंगे और सॉरी गॉल्जी बॉडीज होंगे और उनकी सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स में उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन होगी। प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल होगी, प्लांट्स में वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, और राइबोसोम्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ये फिर हम सब सेलुलर लेवल पे देखते हैं और सेलुलर बायोलॉजी में भी ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है। फिर अगर आप फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और वो स्ट्रक्चर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी हम लाइफ प्रोसेसेस को देखते हैं फिजियोलॉजी में और वो लाइफ प्रोसेसेस कौन से स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम देखते हैं पहले कौन सी स्पीशीज थी, उनमें क्या चेंजेस आए, कौन सी स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कौन सी नई स्पीशीज इवॉल्व हो चुकी हैं, ये हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में देखते हैं। इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है और उस इन्वायरमेंट के अंदर वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं इकोलॉजी में। ये मुख्तलिफ बायो की ब्रांचेज हैं, ठीक है, जैसे अगर कहें कि आप देख लें कि स्ट्रक्चरल ब्रांचेज कौन सी हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
अच्छा एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी का मतलब है कि जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। जेनेटिक्स में हम देखते हैं विरासती खसूसियात के पेरेंट्स से जो खसूसियात हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में बच्चों में किस तरह से ट्रांसफर हो रही हैं, विरासती खसूसियात कैसे मुंतकिल हो रही हैं, वो हम जेनेटिक्स में देखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करते हैं वो मैच्योर कैसे होते हैं, मैच्योर होने के बाद उनमें एजिंग कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। बर्थ से लेके डेथ तक जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं वो सारा हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। अच्छा फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो हम प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ में उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और कौन से स्ट्रक्चर क्या प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स के फंक्शन जो है ये हम फिजियोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में फिर हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक्स के इंसेस्टर्स क्या थे, आबाओ अजदाद कौन थे, और उन आबाओ अजदाद से फिर आगे जो नई नस्लें चली वो कौन सी हैं। फाइलोजेनेटिक्स ये होती है कि आप एक ट्री बनाए, ठीक है, आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले सेल्स इवॉल्व हुए, सेल से फिर प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस बने, ठीक है, फिर उनसे वर्म्स बने, ठीक है। इस तरह करते करते आगे ऊपर तक आप चलते जाएं, ऑर्गेनिजम्स नई नई स्पीशीज इवॉल्व होती जा रही हैं तो ह्यूमन बींग्स तक बात आ गई, ठीक है। तो इस तरह जब इंसेस्टर्स से लेके डिसेंडेंट्स तक, यानी जो उनसे बन रहे हैं नए वाले ऑर्गेनिजम्स, नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, उनको हम कहते हैं डिसेंडेंट्स, यानी कि ये पेरेंट्स थे तो उनसे ऑफस्प्रिंग, उनके डिसेंडेंट्स नई स्पीशीज बनती गई, तो वो सारी जो है ये हम फाइलोजेनेटिक्स में देखते हैं। सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलैरिटीज की बेसिस पे और डिफरेंसेस की बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। टैक्सोनॉमी में भी हम उनके डिफरेंट टैक्सा बनाते जाते हैं और उनको फिर हम नेम देते जाते हैं, साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसमें हम फाइलोजेनेटिक्स देखते हैं, यानी इंसेस्टर से किस तरह डिसेंडेंट्स इन इवॉल्व हुए, उसके बाद उन डिसेंडेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, जिन जो सिमिलर जिनकी खसूसियात होती हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे फिशेज हैं तो फिशेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जो पानी में रह रहे हैं और वो गिल्स से रिस्पायर कर रहे हैं, तो उनको हम एक ग्रुप बना देते हैं कि ये फिशेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स में डाला जाता है, सेम खसूसियात की बुनियाद पे उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको नाम दिया जाता है कि ये फलां जो है ये एक स्पीशीज है, ठीक है। फिर स्पीशीज इसी तरह फिर जो है ऑर्डर्स बनते हैं, फाइलम सबसे पहले होता है, किंगडम, किंगडम के बाद होता है फाइलम, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद फैमिली होती है, फिर उसके बाद जीनस होता है, जीनस के बाद स्पीशीज होती है, यानी ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे छोटा ग्रुप है ना वो स्पीशीज होती है, और जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो किंगडम होता है। जैसे अगर हम कहें ना कि सारे एनिमल्स एक किंगडम है, ठीक है, प्लांट्स एक किंगडम है, फिर एनिमल्स में से फिर उनमें जो सिमिलर थे उनके फिर मजीद ग्रुप्स बना दिए, फिर हमने कहा ये फाइलम हो गए कुछ, फिर फाइलम में से भी जो सेम थे उनका एक ग्रुप बना दिया, जो डिफरेंट थे उनके और ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। फिर इसी तरह वो फाइलम के बाद आगे क्लासेस बन जाती हैं, वो मजीद छोटी हो जाती हैं, फिर क्लासेस में से भी फिर मजीद ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल सेम होते हैं उनको आपस में एक ग्रुप में डाल देते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो और ग्रुप्स उनके बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्लास के बाद ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर के बाद फिर फैमिली, ठीक है, फिर इस तरह जीनस। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, इस तरतीब से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो इनको याद रखने का ये तरीका होता है कि आप याद रखें किप्स ऑफ गर्ल्स, के पी सी ओ एफ जी एस, किप्स ऑफ गर्ल्स, के से किंगडम, पी से फाइलम, से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज, ठीक है, इस तरह आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा फिर हम इकोलॉजी की भी बात कर लें कि इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि
ऑर्गेनिज्म किन हैबिटेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनकी अबंडेंस जो है वो किस हैबिटेट में क्या अबंडेंस है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा हम जो है ये देखते हैं बायो में। अच्छा, ये इसकी ब्रांचेस की बात होगी। अब ये जब आप, अब देखिए आपके सामने नई स्क्रीन शो हो रही होगी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो आप यहाँ से इनको एक नज़र, वहाँ पे वीडियो को रोक के तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। जो मेन ब्रांचेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि स्कोप क्या है बायो का। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो इसका क्या स्कोप हो सकता है? इसका लिटरेरी स्कोप भी हो सकता है, कि आप मुख्तलिफ बुक्स और जर्नल आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, आप मैगजीन्स में लिखते हैं, या फिर आप इसका, जैसे एक्वेरियम होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है, फिर परमानेंट स्लाइड्स होती हैं, बनाई जाती हैं टिश्यूज को स्टडी करने के लिए, सेल्स को स्टडी करने के लिए, उन स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप्स के नीचे रख के देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की स्टफिंग की जाती है, ये भी बायो वाले लोग कर सकते हैं, यानी आपको जब आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं वहां पे आपको एक बाकायदा जानदार नजर आ रहा होता है लेकिन उसके अंदर असल में भूसा भरा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टफिंग, यानी खाल के अंदर कुछ भर के और फिर